आज है 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। हथरस हादसे पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, एसडीएम सीओ तहसीलदार समेत 6 अधिकारी सस्पेंड। हाथरस हादसे में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में चश्मदीद गवाहों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के लिए कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना। अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की है। यूपी के 32 गांव मॉडल बना रहा सीएसए, विश्वविद्यालय ने की पहल। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रदेश के 32 गांवों को मॉडल बना रहा है। इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि प्राकृतिक खेती संपोषण वाटिका विकसित कर गांवों को कुपोषण मुक्त किया जाएगा। ये 32 गांव प्रदेश के 14 जिलों से चयनित किए गए जहां विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैं। जल्द ही इन गांवों में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सब्जियों की अच्छी पैदावार की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय वाराणसी में विकसित नई प्रजातियों को लाने की तैयारी कर रहा है। नर्सिंग कोर्स में इस साल नहीं होगी प्रवेश परीक्षा, लागू रहेगी पुरानी व्यवस्था। नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इस साल केंद्रीयकृत परीक्षा नहीं होगी। प्रवेश अभी तक चल रही प्रक्रिया के आधार पर कॉलेज स्तर पर होंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 में आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में आगामी 28 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाने वाली नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जेवर एयरपोर्ट के पास खुलेगा पायलट और क्रू मेंबर ट्रेनिंग सेंटर। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जिले का पहला एविएशन ट्रेनिंग और सिमुलेशन सेंटर बनाने की तैयारी है। यमुना विकास प्राधिकरण के सेक्टर 29 में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनने जा रहे ट्रेनिंग सेंटर के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने 7.5 एकड़ जमीन मांगी है। एविएशन ट्रेनिंग और सिमुलेशन सेंटर में नए चयनित पायलट को उड़ान भरना सिखाया जाएगा। यूपी के 13 नए मेडिकल कॉलेजेस में जल्द शुरू होगी पढ़ाई। प्रदेश के 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत को एनएमसी के द्वारा अनुमति मिलने में आए अवरोध के पीछे मानकों में अचानक हुए बदलाव मुख्य कारक हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में 13 नए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की परिकल्पना एनएमसी के 2020 में निर्धारित मानकों के आधार पर की थी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं आगे बढ़कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से वार्ता करते हुए इन मेडिकल कॉलेजेस में 2024-25 के शैक्षिक सत्र को चलाने के लिए वर्ष 2020 में निर्धारित मानकों के आधार पर कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर भाजपा सरकार ने ठगा, अखिलेश यादव का योगी पर निशाना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में बाढ़ की विभीषिका से लाखों लोग प्रभावित हैं, लेकिन भाजपा सरकार या तो बेखबर है या संवेदन शून्य। इससे यह आशंका अब सही साबित होती दिखती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार से भाजपा इतना परेशान है कि वो मतदाताओं से बदला लेने पर उतारू है। करोड़ों रुपए खर्च कर भव्य अयोध्या बनाने का दावा किया गया था, परंतु पहली बरसात में ही रामपथ में सड़क धस गई, मंदिर से पानी चूने लगा। भाजपा की झूठी और लूट की राजनीति का ये एक उदाहरण है। उपचुनाव के ऐलान से पहले ही भाजपा ने झोंकी ताकत, हर सीट पर 3-3 मंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर आगे होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी। इन सीटों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन भाजपा युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गई है। अब ये तैयारी सरकार और संगठन दोनों स्तर पर है। पार्टी ने उपचुनाव वाली सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। प्रत्याशी चयन की कवायद भी शुरू कर दी गई। एक ओर सरकार के मंत्री और संगठन के पदाधिकारी इन सीटों पर लगाए गए, दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बाबा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह हर सीट पर मंडलवार कार्यकर्ताओं का मन टटोल रही हैं। यूपी में बिजली को लेकर चलने वाला है बड़ा अभियान, कई विभाग होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने राज्य में वाणिज्यिक कनेक्शन की संख्या बढ़ाने का खाका खींच लिया। इस काम में बिजली विभाग, अन्य विभागों जैसे वाणिज्य कर, नगर निगम, स्वास्थ्य शिक्षा जैसे करीब दर्जन भर विभागों की मदद लेगा। इन विभागों के यहां पंजीकृत दुकानों, संस्थानों की सूची लेकर विभाग उनके कनेक्शन की विधा की जांच करेगा। जहां भी घरेलू कनेक्शन पर ये कारोबारी गतिविधियां होती नजर आएंगी, उनके कनेक्शन की विधा कमर्शियल कर दी जाएगी। बदल रहा है गोरखपुर,
रामगढ़ ताल के किनारे पैडलीगंज मोहद्दीपुर रिंग रोड अब टू लेन नहीं बल्कि फोर लेन का होगा। फोर लेन सड़क पर रामगढ़ ताल की तरफ चौड़ा फुटपाथ बनाने के साथ ही रेलिंग भी लगाई जाएगी। नौकायन रोड की तरह ही आकर्षक लाइट्स व पौधे लगाकर सुंदरीकरण किया जाएगा। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद जीडीए ने 68 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है। बीटेक बी फार्मा और एमसीए की खाली सीट पर सीधे दाखिला पाने का मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024-25 के तहत बीटेक बी फार्मा और एमसीए में सीधे प्रवेश का मौका मिलेगा। इसी तरह बीटेक व एमसीए लेटरल इंट्री के जरिए द्वितीय वर्ष में सीधे एडमिशन होंगे। यूपी तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग यूपीटीएसी 2024 से रिक्त रहने वाली सीटों पर एलयू अपने स्तर से दाखिले लेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट के एडमिशन पेज पर आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है। एनसीआर के शहर में बदल गई राशन वितरण व्यवस्था। अब कार्ड धारकों को बिना लाइन ऐसे मिलेगा अनाज। राशन उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। राशन कार्ड धारकों के लिए राशन वितरण की व्यवस्था बदलने जा रही है। उन्हें अब इसके लिए घंटों तक लंबी लाइन्स में नहीं लगना होगा। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से गाजियाबाद जिले में राशन विक्रेताओं को सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक राशन वितरण करने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, राशन कार्ड धारकों को पहले टोकन दिया जाएगा ताकि उन्हें तय समय पर राशन मिल सके और ज्यादा इंतजार न करना पड़े। पीलीभीत में बाढ़ से हाहाकार। पीलीभीत में बारिश के बाद देवहा और शारदा नदियां उफान पर बह रही हैं। शहर से लेकर देहात तक बाढ़ से हाहाकार मचा है। गांव घरों में पानी भर गया। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और वायुसेना की मदद ली गई। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। शपथ पत्र लेकर रखे जाएंगे तदर्थ शिक्षा, 11 माह के लिए होंगे तैनात। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर काम करने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा कि वो निश्चित मानदेय पर कार्य करेंगे। वहीं उन्हें 11 महीने के लिए रखा जाएगा और अगले साल फिर से उनका रिन्यूअल किया जाएगा। वो अधिकतम 62 साल तक की उम्र मानदेय पर काम कर सकेंगे। पीलीभीत में वायुसेना ने संभाला मोर्चा। बाढ़ में फंसे लोगों को किया एयरलिफ्ट। पीलीभीत जिले में बाढ़ के हालात इस हद तक बिगड़ गए कि प्रशासन को वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। मंगलवार को वायुसेना ने पूरनपुर के चंदिया हजारा क्षेत्र में पहुंचकर मोर्चा संभाला। 24 घंटे से बाढ़ में फंसे 7 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रशासन का दावा है कि मंगलवार को जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 200 लोगों का एनडीआरएफ एसडीआरएफ पीएसी और एसएसबी की टीम ने रेस्क्यू किया। यूपी में दिसंबर तक 1.5 लाख पदों पर भर्तियां। टीचर की 45,000 वैकेंसी। यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार दिसंबर तक करीब 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी निकालेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद सभी विभागों में भर्ती के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। भर्ती आयोग नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है। इसमें शिक्षक की भी 45,000 वैकेंसी होंगी। यूपी में इन कारों पर योगी सरकार ने रोड टैक्स किया माफ। अब 3 लाख रुपए तक सस्ती मिलेंगी ये गाड़ियां। इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद यूपी सरकार ने हाइब्रिड वाहनों का रोड टैक्स शुल्क माफ कर दिया है। मारुति, होंडा सिटी और हाइब्रिड कार व अन्य वाहन कंपनीज को बड़ी राहत मिली। ये कार खरीदने पर कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की बचत होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 जुलाई को एक सर्कुलर जारी कर प्रदेश में हाइब्रिड कारों और प्लग इन हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस को 100% माफ कर दिया है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। न्यू नोएडा में अब 1 करोड़ में नहीं मिलेगी जमीन। प्लॉट के दामों में हुई दुगनी बढ़ोतरी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जमीनों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। अभी तक यहां पर न्यू नोएडा प्रोजेक्ट की फाइल पर काम भी नहीं शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले जमीनों के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि अगर ग्रेटर नोएडा के गांव में जमीन लेने आप जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए से कम की जमीन आपको नहीं मिलेगी। अभी यहां का रेट 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा तक पहुंच गया है। गाजियाबाद जिले में 7.64 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। लोकसभा चुनाव परिणाम ने सरकार को तमाम योजनाओं की समीक्षा करने को मजबूर कर दिया। सरकार ये पता लगाने के प्रयास में जुट गई कि जनहित की इतनी योजनाओं के बाद भी चुनाव में नुकसान क्यों हुआ। इस कड़ी में लाभार्थी को 5 लाख रुपए का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की भी समीक्षा हुई। अब किसानों के लिए आधुनिक उपकरण और तकनीक विकसित करेगा आईआईटी कानपुर।
आईआईटी कानपुर अपने शोध और तकनीक को लेकर देश और दुनिया भर में जाना जाता है। आईआईटी कानपुर ने कई क्षेत्रों में ऐसे उत्पादन तकनीक विकसित की हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो या फिर मेडिकल क्षेत्र। आईआईटी कानपुर ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे उपकरण बनाए हैं जिनका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया कर रही है। यमुना प्राधिकरण ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड, बकायेदार बिल्डर से वसूले 437 करोड़। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस वर्ष कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद वर्ष 2024-25 में प्राधिकरण ने बिल्डर्स से अब तक 437 करोड़ राजस्व वसूला, जो कि अब तक की सबसे अधिक कमाई है। इसी के साथ कई परियोजनाओं में फंसे खरीदारों को भी राहत दी। 15 मजदूरों का काम करेगी 48,000 वाली ये मशीन, मिनटों में कर देगी एक एकड़ में दवा का छिड़काव। स्प्रे पंप का इस्तेमाल किचन गार्डन, लॉन, बगीचे या फिर खेती के लिए किया जाता है। समय के साथ स्प्रे पंप का स्वरूप बदलता रहा। स्प्रे पंप का इस्तेमाल कीटनाशक और तरल उर्वरक छिड़काव के लिए किया जाता है। पहले हाथ से चलने वाले स्प्रे पंप का इस्तेमाल किसान करते थे, जिसके बाद बैटरी चलित और अब पावर स्प्रे पंप आ गए हैं, जिससे किसानों को बहुत आसानी हुई है। स्टूडेंट्स की फीस नहीं लौटाई तो रद्द हो जाएगी कॉलेज की मान्यता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद फीस रिफंड को लेकर नई पॉलिसी बनाई। फीस रिफंड पॉलिसी 2024 को पहले की पॉलिसी के मुकाबले काफी सख्त बनाया गया। जानकारी के मुताबिक अगर समय रहते किसी भी छात्र की फीस कॉलेज के द्वारा नहीं लौटाई गई तो अब संबंधित कॉलेज की मान्यता तक रद्द हो सकती है। इसके साथ ही उस कॉलेज का अनुदान रोकने से लेकर डिफॉल्टर लिस्ट में डालने तक का प्रावधान रखा गया है। समय से पहले जन्मे बच्चों की आंख का कमजोर हो रहा पर्दा, बीएचयू में हर हफ्ते आ रहे 5 से 7 केस। आंखों की रोशनी कमजोर होना अब तक बढ़ती उम्र के लोगों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब नवजात बच्चों में भी ऐसी समस्या बढ़ रही है। आईएमएस बीएचयू के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में 10 से 15 दिन के बच्चों को लेकर अभिभावक पहुंच रहे हैं जिनको आंखें सही से नहीं खुल पा रही। जांच के बाद पता चलता है कि बच्चों के आंख के पर्दे कमजोर हैं। आईएमएस बीएचयू के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के डॉक्टर्स के मुताबिक हर सप्ताह 5 से 7 ऐसे केसेस आ रहे हैं। अब यूपी के इस इलाके में पहुंचा बुलडोजर, घर तोड़ने का काम शुरू। नगर निगम परिसर में मल्टी लेवल कार पार्किंग के निर्माण के लिए आवास और कार्यालय तोड़ने का कार्य शुरू हो गया। परिसर की चिन्हित जमीन को पूरी तरह से खाली कराने के बाद जल निगम CNDS मल्टी लेवल कार पार्किंग निर्माण शुरू करेगा। सितंबर 2025 तक पार्किंग का कार्य पूरा करना है। राजा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नगर निगम परिसर में मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण कार्य शासन ने 5 अगस्त 2023 को स्वीकृत किया था। टीम इंडिया का कोच बनने पर गौतम गंभीर ने कहा, हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि भारत मेरी पहचान है और अपने देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। मैं वापस आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, हालांकि एक अलग टोपी पहनकर, लेकिन मेरा लक्ष्य वही है जो हमेशा से रहा, हर भारतीय को गौरवान्वित करना। मैन इन ब्लू 1.4 बिलियन भारतीयों के सपनों को अपने कंधों पर उठाते हैं और मैं इन सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।